वीरवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आकाश शर्मा ने मंडी जिला में वस्तुओं के दामों में अत्यधिक वृद्धि को लेकर जिला उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस राज्य प्रवक्ता आकाश शर्मा ने कहा कि आज हर वर्ग कोरोना महामारी से ग्रस्त है और कई लोगों के रोजगार छिन चुके हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब तबके की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। वहीं मंडी जिला के दुकानदार और बार्बर लोगों से मनमाने दाम वसूल रहे हैं। अधिक दुकानों में दुकानदारों ने सामान की रेट लिस्ट नहीं लगाई है, जिससे ग्राहक को सामान की सही कीमत का पता नहीं लग पाता और दुकानदार अपने हिसाब से वस्तुओं का मूल्य लोगों से वसूल रहे हैं। उन्होंने सरकार और प्रशासन से आग्रह किया है कि इस प्रकार जो लोग आपदा के समय में अवसर तलाश रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए व सभी दुकानदारों को रेट लिस्ट लगाने के लिए आदेश जारी किए जाए। आज बाजार में घरेलू उत्पादों पे जो है वो अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की जा रही है। एक तो COVID-19 के संक्रमण के चलते लोग पहले से ही परेशान हैं, दूसरे जो बाज़ार में वस्तुएं मिल रही हैं जो ऑलरेडी मार्केट में हैं, कोई वो बाहर से नए दामों में नहीं आई हैं, लेकिन उनके रेटों में भी अप्रत्याशित वृद्धि जो है दर्ज की जा रही है। बहुत से लोगों की शिकायतें हमारे पास आई, कई लोग हमारे पास आए कि जो बार्बर्स हैं वो मनमाने दाम वसूल रहे हैं, कई 100 रुपये ले रहे हैं, कई 150 रुपये ले रहे हैं। सब्जी वाले कई जगह जो है मनमाने दाम वसूल रहे हैं। आपका जो हार्डवेयर और दूसरे लोग हैं वो जो रखी हुई चीज़ें जो है मार्केट वैल्यू में, उसके अलावा जो है एक्स्ट्रा दाम जो है ले रहे हैं और कह रहे हैं कि लॉकडाउन में जो है बिक्री नहीं हुई और पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं, डीजल की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं। आप घरेलू उत्पाद की बात करते हैं तो सरसों का तेल है, रिफाइंड ऑयल है, उसमें भी 20-30 रुपए जो है जगह जगह वृद्धि दर्ज की जा रही है। कई जगह 190 रुपए रेट है, कई जगह 200 है, कई जगह 210 रुपए रेट है। इस बाबत जो है बहुत से लोगों के अनुरोध पे और शिकायत पे आज हमने जो है माननीय उपायुक्त मंडी से भी मुलाकात की और हिमाचल प्रदेश सरकार को भी लिखित तौर पर यह ज्ञापन दिया कि आज इस स्थिति में प्रदेश सरकार का प्रथम कर्तव्य बनता और जिला प्रशासन का एक कर्तव्य बनता है कि वो रेट लिस्ट जो है सुनिश्चित करें और जो संबंधित विभागों को जो है छापे मारने के निर्देश दें, ताकि लोग जो इस समय आपदा के अवसर को तलाश कर रहे हैं और उन लोगों को ठग रहे हैं जो बेचारे एक तो जिनकी रोजी रोटी छिन चुकी है, जिनका रोजगार नहीं है, दूसरी तरफ उनको ठगी का सामना करना पड़ रहा है, उन लोगों को इससे जो है राहत दिलाई जाए। और माननीय उपायुक्त महोदय ने भी कहा कि वो इस बारे में कार्रवाई करेंगे और हमारा प्रदेश सरकार से भी अनुरोध रहेगा कि इमीडिएट जो है इस बारे में एक्शन लिया जाए।